नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार तुंगारिया आदर्श विद्या मंदिर ब्यावर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय में लेसन नंबर 1 फ्रांस की क्रांति के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को पेरिस नगर में प्रवेश करने के आदेश दे दिए थे। ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि सेना के द्वारा लोगों पर गोली चलाए जाने की घटना हो सकती है। ऐसे में लगभग 7,000 स्त्री पुरुष टाउन हॉल के सामने एकत्र होकर जनसेना का गठन किया। इस जनसेना ने हथियारों की खोज में सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश करने लगे। सैकड़ों लोगों का समूह फ्रांस के पूर्वी भाग जहां पर बास्टिल का किला बना हुआ था वहां की ओर पहुंच कर गए। सैकड़ों लोगों के और जनसेना के आपस संघर्ष में बास्टिल के किले का कमांडर मारा गया और इस किले में जो कैदी थे जिनकी संख्या 7 थी उनको छुड़ा लिया गया। बास्टिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण लोगों की घृणा का केंद्र बना हुआ था। ऐसे में सभी लोगों ने मिलकर बास्टिल के किले को ढहा दिया, तहस नहस ध्वस्त कर दिया। कुछ बचे हुए अवशेष लोगों ने बाजार में बेचे ताकि लोग स्मृति के रूप में इनको अपने पास में रख सकें। इस पूरे घटनाक्रम का परिणाम ये निकला कि फ्रांस के शासक को फांसी दे दी गई। इस नतीजे पर लोगों को आशंका होने लगी। बात करते हैं 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज। 1774 में बूर्बो राजवंश के शासक लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एन को एनएम से हुआ था। जिस समय वह शासक बना था उसमें राजकोष खाली थे। फ्रांस के वित्तीय संसाधन लगभग सभी प्रकार के संसाधन नष्ट हो चुके हैं। वर्षाय का विशाल महल, उसकी शान शौकत और उनकी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार का अत्यधिक मात्रा में खर्च होने लगा था। फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से मुक्त कराने के लिए युद्ध में सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवर का कर्ज भी बढ़ गया था। उससे पहले 2 अरब का कर्ज पहले ही चढ़ा होता। ऐसे में विभिन्न प्रकार के कर्जदाताओं ने जो सरकार को पैसा उधार देते थे वे 10% ब्याज की मांग करने लगे। ऐसे में मजबूरन फ्रांस की सरकार को विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपने विभिन्न प्रकार के सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। फ्रांस समाज उस समय 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते हैं जो विभिन्न प्रकार के चर्च और विभिन्न प्रकार के धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। द्वितीय वर्ग में आते हैं कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग, वे विभिन्न प्रकार के आपसी समझौतों का कार्य करते हैं। तीसरे वर्ग में आते हैं मजदूर, किसान, व्यापारी और अन्य सभी प्रकार के गरीब व्यक्ति। इन तीनों प्रकार के वर्गों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग असमानताएं थी। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को विभिन्न प्रकार के करों में छूट दी गई थी, जबकि तृतीय वर्ग के द्वारा विभिन्न प्रकार के अलग अलग कर सरकार वसूल करती थी। इसमें कुछ करों के प्रकार हैं। पहले बात करते हैं टाइथ। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जो प्रथम एस्टेट के पादरी वर्ग के द्वारा वसूल किया जाता। यह फसल का कुल 10वां हिस्से के रूप में वसूल करते थे। टाइल ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर था तो सीधे राज्य के सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ता था। ये कर नमक, तंबाकू और डेली जीवन में उपयोग में ली जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के रूप में लिया जाता। इस प्रकार हमने आज फ्रांस की क्रांति के बारे में और फ्रांस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। धन्यवाद।